पटना के बेहटा रेलवे स्टेशन पर आम लोगों को बड़ी सौगात रेलवे विभाग ने दिया है, जहां पटना काशी जन शताब्दी एक्सप्रेस 15125/26 और आरा दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन 13287/88 का ठहराव हुआ, जहां इस मौके पर भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने दोनों ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दानापुर रेल मंडल के ADRM अनुपम कुमार चंदन के अलावा अन्य रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। ठहराव होने के बाद भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि बेहटा आने वाले समय में नोएडा के तर्ज पर विकसित हो रहा है और ऐसे में आसपास के गाँव के लोगों को ट्रेन का ठहराव होने से काफी सुविधा मिलेगी। अमृत रेल विकास के तहत बेहटा रेलवे स्टेशन का भी नाम भारत सरकार ने शामिल किया है। अब बेहटा का स्टेशन भी पटना के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आज दो महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव हुआ है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। काशी विश्वनाथ की नगरी जाने के लिए लोगों को पटना न जाकर अब बेहटा से ही जन शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ना आसान होगा। इसके अलावा आरा दुर्ग एक्सप्रेस जो पहले पटना राजेंद्र नगर से खुलती थी, अब आरा से खुलेगी और बेहटा में ठहराव किया गया है, जिससे अब लोगों का समय भी बचेगा। वहीं इस मौके पर भाजपा पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद, वरिष्ठ नेता अजीत सिंह के अलावा भाजपा के कई स्थानीय कार्यकर्ता एवं आम लोग मौजूद थे। अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति और रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पुनः बिहटा और आसपास के लोगों को एक बड़ा उपहार दिया है। आज दो ट्रेन का स्टॉपेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन था और बहुत लोगों का बहुत रोष से ये मांग था कि हाँ, जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है जो काशी जाती है, बनारस जाती है, उसका स्टॉपेज करवाया जाए, तो मेरे आग्रह पर माननीय रेल मंत्री जी ने उसको स्टॉपेज दे दिया है। और यही नहीं, आरा से होते हुए बिहटा होते हुए दुर्ग तक जाने वाली, यानी छत्तीसगढ़ तक जाने वाली, बीच में टाटा वाटा सब है, कई स्टेशन पर स्टॉपेज होगा, तो बिहटा और आसपास के लोगों के लिए बड़ा उपहार है। सिर्फ बिहटा की जनता को फायदा नहीं है, आसपास हमको लगता है 500 गांव है, मनेर से लेकर के उधर विक्रम तक, वो सब लोग आसानी से यहाँ ट्रेन पकड़ेंगे और आसानी से छत्तीसगढ़ जाएंगे, इधर बनारस बाबा का दर्शन करने जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा उपहार है और मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बड़ी बात और हुआ है साथ साथ, बिहटा का एक नया स्वरूप दिखेगा, अमृत भारत स्टेशन के रूप में लगभग 49 करोड़ रुपए का योजना ये स्वीकृत हुआ है, जो इसका बिहटा स्टेशन को एक नए रूप में आप देखने का काम करिएगा, तो ये भी बहुत जल्द यहाँ काम होने वाला है। और यही नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने कृपा और की, इस बहुत कंजेशन होता था, तो तीसरी लाइन का और चौथी लाइन का मांग बहुत पहले से था, तो तीसरी लाइन चौथी लाइन का भी सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति हो गई है, उसका सर्वे चल रहा है। और यही नहीं, इसके पहले सरिसोपुर स्टेशन में भी ठहराव तो होता ही रहा है, वहां भी सरिसोपुर स्टेशन का एक नया स्वरूप दिखेगा, सारा आधुनिकरण किया जाएगा और सभी जो लेटेस्ट सुविधा मिलनी चाहिए स्टेशन में, तो सब सुविधा बिहटा और सरिसोपुर की जनता को मिलेगी। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री को धन्यवाद।